हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन के जून वाले मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने जो है एनवायरनमेंट के कल जो है एक क्लास को हमको कंप्लीट कराया है। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कराया है और आईआर सिक्योरिटी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो है एनवायरनमेंट के जो पार्ट टू है उसको पढ़ेंगे। इसमें चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि शॉर्ट लिव हैलोजन्स, इसको हम बिल्कुल प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि प्री में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कैसे आप जो है इस क्वेश्चंस जो आएंगे उसको आप गलत नहीं होगा, आपसे वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव से स्टैटोडाइनमिक अप्रोच, हम लोग का जो अप्रोच है स्टैटोडाइनमिक यानी स्टैटिक प्लस डायनेमिक, तो यू नो जो दोनों अप्रोच कम्बिनेशन है उसी के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला कंटेंट दिया कि शॉर्ट लिव हैलोजन, शॉर्ट लिव हैलोजन दिया हुआ है, यानी शॉर्ट लिव हैलोजन होता क्या है। अगर आपको मैं ये पूछूं तो हैलोजन्स ही क्या होते हैं, तो हैलोजन्स आपको पता होगा अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से अगर आप पढ़े होंगे तो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में शायद ये बार बार चीज़ें आती हैं अगर आपने पढ़ी हो तो हैलोजन्स वो होती हैं जिससे पीरियोडिक टेबल होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे कि आपने देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप 17 होता है, ग्रुप 17, इसमें पांच जो है केमिकल जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, पांच केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर आप इसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है और ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एटी यानी कि एसिटेटिन होता है। ठीक है, तो ये आपके पांच ग्रुप जो होते हैं ये आपके हैलोजन्स होते हैं। अब इसमें क्या, आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया है, अब आप समझिए कि इसमें क्या दिया कि हालिया अध्ययन के अनुसार महासागर जो है यानी कि जो ओशंस है वो अल्पकालीन शॉर्ट लिव हैलोजन्स यानी कि कुछ थोड़े समय के लिए जो हैलोजन्स को मुक्त करके पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। ठीक है, ये शीतलन क्या है, 8 से 10% तक का योगदान देते हैं, यानी कि ठंड ये कूलिंग में 8 से 10% तक का योगदान देते हैं। इनका जीवन काल 6 महीने का होता है, जिसमें आपको बताया मैंने कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हैलोजन तत्व हैं। ठीक है, इसमें पांच प्रकार के आपको हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, अच्छा, ये जो शॉर्ट लिव हैलोजन्स है उसका स्रोत क्या है, फाइटोप्लैंकटन है यानी कि और शैवाल है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये कूलिंग एजोरेल का काम भी निर्माण करते हैं। ठीक, और ये जो शॉर्ट लिव हैलोजन्स है वायुमंडल में मीथेन के जीवन काल और जलवाष्प के स्तर को बढ़ाते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक क्लाइमेट चेंज और आपके सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ है, तो आपको ये बार बार आपको देखना पड़ेगा कि शॉर्ट लिव हैलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो उसको कौन रिलीज करता है, स्रोत क्या है और हैलोजन्स होते क्या हैं, उनके कितने प्रकार हैं, कितने तत्व हैं और किस पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 17वें ग्रुप में है। ठीक है, तो आपको ये पहला मैंने बता दिया, आप इससे अगर प्रश्न बनेगा तो आप इसको बिल्कुल कर ले जाएंगे। अब आता है लीड रेटिंग सिस्टम। लीड रेटिंग सिस्टम में क्या है कि भारत ने लीड नेट जीरो प्रमाणन में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि भारत ने लीड नेट प्रमाणन में अमेरिका और चीन को पीछे पर छोड़ दिया है। लीड रेटिंग सिस्टम है क्या, एक स्वस्थ, दक्ष, निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित, लागत प्रभावी हरित भवनों का एक फ्रेमवर्क है। ठीक, ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है। ठीक है, और इसे किसने विकसित किया है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ये भवनों को जो है, भवनों को 4 प्रमाणन स्तर पर मात्रा जो ये मान्यता देती है। ठीक है, सर्टिफाइड सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक, अच्छा, लीड इंडिया प्रोग्राम भारत के किसके द्वारा प्रशासित है, इंडियन ग्रीन लीड बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ठीक है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ठीक, अब इसके बाद आप जो है इसमें आप देखिए कि भारत के लिए जो भारत का जो खुद का रेटिंग सिस्टम है वो क्या है कि भारत का गृह जो है, गृह अपना बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। ठीक, इसको कौन विकसित किया है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने और नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय ने ज्वाइंट रूप से। गृह क्या है कि 5-स्टार रेटिंग सिस्टम है, 5 साल की अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो आप जो है इसको इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक, भारत के लिए जो हरित, भारत में जो हरित भवनों के निर्माण के लिए अन्य पहले हैं वो आपको मेंस में भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आईबीसी रेटिंग प्रणाली है, बीईई द्वारा तैयार ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है, वाणिज्यिक भवनों के लिए बीईई रेटिंग प्रणाली है। ठीक है, तो आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं, तो इससे अगर आपको प्रश्न बनेगा तो आप इसको भी बिल्कुल कर सकने की स्थिति में होंगे। इससे यूपी पीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। डायरेक्ट प्रश्न कैसे बनेगा कि यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी डायरेक्ट, यूपीएससी में स्टेटमेंट में दे देगा, स्टेटमेंट में यूपीएससी में डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, क्या देगा कि भारत के उपराष्ट्रपति ने 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को प्रदान किए हैं।
कौन विजेता है, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है, और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है, गंजाम उड़ीसा है। कब शुरू हुआ था ये जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया था। बस इसका उद्देश्य क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपनाना, इतना ही आपको पढ़ना है इसमें से, ठीक है। इससे अगर आपको प्रश्न आएगा तो आप इसको भी कर सकने की स्थिति में होंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि विजन है इसका मैगजीन जो ऐसा मैगजीन है कि इसको अगर आप पढ़ेंगे, अप्रोच आपका पढ़ने का हो तो आप UPPCS, UPSC और स्टैटिक और डायनेमिक सभी पोर्शंस को इस मैगजीन से आप कवर कर सकते हैं। आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, जो बिल्कुल मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डिशिकेशन एंड टॉलरेंट वास्कुलर प्लांट्स, ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो मान लीजिए कि एकदम पानी खत्म हो गया, 95% तक अगर जल खत्म हो जाए, जल की समस्या हो, तभी भी वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं जो एकदम चरम निर्जलीकरण की स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं, ये आपके SFDT प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो ऐसे ही प्लांट्स की भारत में पश्चिमी घाट में 62 प्रजातियों की खोज की गई है जिसका उपयोग कृषि में किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रॉक आउटक्रॉप्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रॉक आउटक्रॉप्स क्या होती हैं कि ऐसी भूवैज्ञानिक संरचनाएं जो आसपास की भूमि सतह से ऊपर की ओर उभरी है, जैसे मान लीजिए कि ये भूमि सतह है, इसमें से थोड़ा सा ऊपर की जो उभरी संरचनाएं हैं, ये पहाड़ नहीं, ये भूमि से ही संरचनाएं हैं, ये आपका क्या गया, रॉकी आउटक्रॉप्स हो गया। इसी पे जो है ये DT प्लांट्स पाए जाते हैं, डेसिकेशन टॉलरेंट वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसी में पश्चिमी घाट में 62 प्रजातियों की खोज की गई है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप इसी तरह से अगर आप खुद से पढ़ते तो आपको बिल्कुल समय काफ़ी ज़्यादा लगता और सबसे बड़ी बात है कि समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती। मैंने इसको आपको एकदम बिल्कुल आसानी से बता दिया। अच्छा, प्रोटोस्टेरॉल बायोटा क्या है, ठीक है, प्रोटोस्टेरॉल बायोटा क्या है कि ये 1.6 अरब वर्ष पहले जो है, जब प्रोटोजोइक कल्प था, ठीक है, आप इस जब क्लास 11th की NCERT पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो उसमें आपको कल्प और महाकल्प और तमाम चीज़ के जो है वो टाइम पीरियड दिया हुआ है पहले चैप्टर में ही, आपको उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चूँकि आपका बेसिक है वो, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने उसको पढ़ा होगा, ठीक, तो आपको जो है इसीलिए मैं आपको अब इससे आगे बढ़ाऊँ, चूँकि एकदम अगर बेसिक कराते जाएंगे तो कभी मैगजीन ख़त्म नहीं होगी। आप कमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल हम सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, हम इकोनॉमिक्स बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से, पूरा अभी उसकी शुरुआत होने वाली है, हमने एंशियंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री को बीच में बढ़ा के रोका हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का हैंडरिटन नोट्स बन रहा है, उसको आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे और आपको पढ़ाएंगे भी, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी कम्प्लीट हो जाएगी, इसके साथ साथ जो है हम लोग इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे। इसमें क्या बोला कि जल के नीचे दुनिया रहा करते थे, ठीक है, अध्ययन में पता चला ये कौन से, ये सूक्ष्म जीव कौन सा है, यूकैरियोटिक्स से संबंधित है, ये पृथ्वी पर जीवन के विकास का ये स्रोत है। यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, एकल कोशी जीव होते हैं या बहुकोशी जीव होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है और अन्य जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि एक न्यूज अभी देखिए, बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स, जो गिद्धों के लिए जो है ये हानिकारक जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयां हैं, उस पर बैन लगाने के लिए किसने सलाह दिया है, जो आपको औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड DTAB ने गिद्धों के लिए हानिकारक दो अन्य दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। पहले से ही दो दवाएं जो है वो प्रतिबंधित हैं, ठीक है, पहले से भी 2-3 दवाएं प्रतिबंधित हैं, लेकिन जो है अभी क्या है कि इसमें दो और दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। ये कौन सी दवाएं हैं, केटोप्रोफेन और एक्सीक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन, ठीक है, ये दो दवाओं पर जो है इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। निर्माण, बिक्री और वितरण सभी पर प्रतिबंध लगाई जाएगी, चूंकि ये क्या है कि एंटी स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है पशुओं के। ये दवाएं क्या होती हैं कि गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक होती हैं। डाइक्लोफेनॉल जो पहले से ही भारत में प्रतिबंधित है, चूंकि क्या होता है कि ये जो पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते, ये पक्षियों के गुर्दों को नुकसान पहुँचाती हैं, इसी कारण से इस पर जो है बैन लगाया गया है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि कई बार UPSC में भी और UPPCS में भी इंडेंजर्ड स्पीसीज और उनके जो जीव न्यूज में होते हैं उन पर प्रश्न बन सकता है कितनी प्रजातियाँ होती हैं। तो भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, इसमें क्या है कि ओरिएंटल सफ़ेद पुट्ठे वाला गिद्ध है, पटली चोंच वाला गिद्ध है, मान लीजिए इजिप्टियन गिद्ध है, लाल सिर वाला गिद्ध है, इंडियन ग्रिफॉन गिद्ध है, हिमालय ग्रिफॉन है, सिनेरियन गिद्ध है, दाढ़ी वाला गिद्ध है या लेमर्जियर है। अच्छा, इसमें क्या है कि
सफ़ेद पुट्टे वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध और लंबी चोंच वाला गिद्ध जो है ये भारी गिरावट आई है और ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्या डिजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सैंड माइनिंग, रिवर सैंड माइनिंग। एनजीटी ने नदी रेत खनन के लिए स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड यानी कि स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया। किसने किया है, एनजीटी ने किया है। किसके लिए, नदी खेत नदी से जो रेत बालू निकलता है उसके खनन के लिए। किससे परमिशन लेना होगा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, एनजीटी ने दिशा निर्देश जारी करने के लिए पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय को 2 महीने का समय दिया है, ठीक है। अब क्या है कि 1 सितंबर से राज्य के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे सहमति लिए बिना किसी भी नदी खेत से नदी के रेत से खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, रेत खनन का आशय क्या होता है कि मुख्य रूप से किसी ओपन पिट से रेत निकालने में है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अब ये बात है कि अभी UPSC में एक प्रश्न बना था, ठीक है। प्रश्न क्या बना था मैं आपको बताता हूँ। गौर खनिज पे UPSC में 2019 में एक प्रश्न बना। क्या प्रश्न बना कि भारत में गौर खनिज के प्रबंधन के लिए, गौर खनिज के प्रबंधन के लिए, प्रबंधन के लिए कौन सा कथन सही है। इसमें क्या दिया कि इसमें देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौर खनिज है। ये प्रश्न पूछा, स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि गौर खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौर खनिजों के खनिजों को प्रदान करने के संबंधी नियमों को बनाने के बारे में एक शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, दूसरा स्टेटमेंट था। अब क्या था, तीसरा स्टेटमेंट कि गौर खनिजों के अवैध खनन रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकारों के पास है, ये तीसरा स्टेटमेंट था। अब बताइए कि इसमें आपका क्या सही होगा। ये UPSC 2019 में एकदम सेम यही प्रश्न पूछा हुआ है, सेम यही प्रश्न, ठीक है। तो यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन, UPSC में इसी प्रकार से रिपीट कर देगा। तो इसमें क्या पूछा कि रेत को खान खनिज विनियमन अधिनियम 1997 की धारा 3E के तहत गौर खनिज है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है, राज्य सरकार के पास है, ठीक है। तो प्रशासनिक नियंत्रण अगर राज्य सरकार के पास है किंतु नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका उसमें क्या था, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं था। मैं आपको क्वेश्चन जो है, आप PYQ देखिए 2019 का, एकदम सेम यही प्रश्न UPSC ने पूछा हुआ। इसीलिए आपको PYQ के साथ हम जो मैगजीन पढ़ा रहे हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको जो प्रश्न आए हुए हैं उनसे आपको जो उसी के अनुरूप आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि राज्य सरकारों ने जो है खनिज के स्वयं जो नियम है उसको प्रशासनिक करने का जो है क्या किया है कि अपने नियमों को तैयार किया है गौर खनिजों को नियमित करने का। तो केंद्र सरकार जो है इसको नियमित नहीं करती है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट सही है, कि स्टेटमेंट गलत है दूसरा वाला। तो आप क्या समझेंगे कि रेत को ही पूछा था, देखिए UPSC ने 2019 में रेत को ही पूछ दिया था, एकदम सेम यही प्रश्न है। आपको प्रश्न UPSC का 2019 वाला आपको PYQ उठाइए और देखिएगा जरूर इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से आपको पढ़ना होता है। तो रेत क्या है, गौर खनिज है, इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है, राज्य सरकारों के पास होता है, इसको ध्यान देना है आपको। अच्छा, ये आप UPSC के मेंस में भी लिख सकते हैं, UPSC के मेंस में भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। अनियमित रेत खनन के प्रभाव, नदी तल का विरूपित करता है, मार्ग में अनावश्यक बदलाव करता है, अपर्दन करता है, बढ़ावा देता है, जल पुनर्भरण को प्रभावित करता है, जलीय जीवों के प्रवास को नष्ट करता है, हो गया। सरकार ने क्या, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ही पॉइंट लाकर या फ्लो चार्ट बना करके ऐसे 5 पॉइंट बना के लिख देंगे, आराम से आपका हो जाएगा मेंस का आंसर। और अब क्या पहल की गई है, पर्यावरण मंत्रालय ने संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 को जारी किया है। क्या करता है, यह वैज्ञानिक तरीके से रेत खनन को और पर्यावरण अनुकूल पद्धति को प्रोत्साहित करता है। फिर खान मंत्रालय ने सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 को तैयार किया है। क्या करता है, रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई, इसमें क्या किया गया है, महीन कस्क राक और क्लस्टर डस्ट प्राप्त मैन्युफैक्चर्ड एम सैंड को बढ़ावा देने को बात की गई है, मैन्युफैक्चर सैंड को, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट हो गया, इसको हमने प्री और मेंस के नजरिए से पढ़ा। प्री में क्वेश्चंस जो आए थे मैंने आपको बताया, 2019 में प्रश्न आया हुआ था रेत पे, एकदम सेम वही प्रश्न था, ठीक है। अब आते हैं कि मरीन नॉइज पोल्यूशन की बात की गई है। इसमें क्या बोला है कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कन्वेंशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या बोला है कि समुद्री प्रजातियों के समक्ष एक बड़े खतरे के रूप में ध्वनि प्रदूषण की पहचान की गई है।
तीन प्रमुख स्रोत हैं, पोत परिवहन, भूकंपी और पाइल ड्राइविंग। ठीक है, इसे क्या समाधान होना चाहिए कि मरीन वाइब्रेशन का उपयोग वाइब्रोसिस का उपयोग करना चाहिए। मरीन वाइब्रोसिस क्या है? मरीन वाइब्रोसिस एक नियंत्रित और निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रिक्वेंसी वाले भूकंपी संकेतों को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन एक तकनीक है। जहाज के डिजाइन और प्रोपेलर तकनीकी में परिवर्तन किया जाना चाहिए और कम आवृत्ति वाले भूकंपी सिग्नल आदि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंटेंट हो गया। अब आपका आता है महासागर में चक्रवात। ठीक है, इसको आपको यहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ ये लास्ट से। ठीक है, भूजल दोहन में पृथ्वी के अक्ष में झुकाव, इससे क्या हुआ है कि अधिक मात्रा में, जिससे अधिक मात्रा में 1993 से 2010 के बीच में भूजल की निकासी जितनी अधिक हुई है उसने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। यानी अगर ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम या उत्तर दक्षिण हो गया, तो आपको इस पृथ्वी को उसने इस तरह से 80 सेंटीमीटर की ओर झुका दिया है। पृथ्वी क्या है? भौगोलिक तौर पर उत्तरी दक्षिण ध्रुवों के ऐसे स्थान पर स्थिति है जहाँ इसकी धुरी सतह को काटती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के दबावान वितरण के कारण क्या होता है कि इसकी ध्रुवीय और ध्रवों में अवस्थिति में बदलाव होता है। ठीक है, तो जल के कारण जो पृथ्वी में संचारित जल होते हैं, इसी कारण से पृथ्वी में द्रव्यमान का वितरण निर्धारित होता है। तो जल निकासी से 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक चुकी है पृथ्वी, एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। अच्छा, अब क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भूकंप आए तो क्यों आए? भारत की जो है प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के साथ जो विवर्तनिक गतिविधियां हैं उसी कारण से जो है ये भूकंप उत्पन्न होते हैं। भारतीय प्लेट क्या है कि उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में, यानी उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में क्या है कि यूरोशियन प्लेट है और ये जो ये प्लेट है, ठीक है, इंडियन वाली पे, इस क्या उसके उसी के नीचे सबडक्शन हो जा रही है, यानी कि उसके नीचे जा रही है। ठीक है, इसी कारण से जो है आपका ये भूकंप आया। ठीक है, इसमें दक्षिण में तीन प्रमुख टेक्टॉनिक यूनिट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं तीन प्रमुख हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है MCT, MBT और HFT। इसमें क्या है, MCT सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे पुराना भ्रंश है, बाकी इसमें प्री के लिहाज से कुछ है नहीं। ठीक है, आपने बस इसको देख लिया। अब आते हैं कि अरब सागर में चक्रवात आया किसमें? अरब सागर में। कौन सा चक्रवात था? नाम पूछ सकता है UPSC और UPPCS में डायरेक्ट अगर प्रश्न बन सकता है। UPPCS में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ देगा कि विपर्जय जो है किस सागर में उत्पन्न चक्रवात था, तो आप अरब सागर में उसको देखेंगे। ठीक है, ये है। अच्छा, अरब सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं आमतौर पर भारतीय तट की ओर नहीं बढ़ते हैं, पर क्या हुआ कि ये भारतीय तट की ओर आया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया। अब एक बताया गया कि हालिया अध्ययन के अनुसार 2001 से 2019 की अवधि में अरब सागर में चक्रवाती तूफानों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 52% की वृद्धि हुई है। जो भारत का पश्चिमी तट है वो अधिक संवेदनशील हो रहा है। कारण क्या है कि अरब सागर में जल के जो सतही जल है और गहरे जल है दोनों के तापमान में वृद्धि हो रही है, और जो तापमान जो बढ़ता है उस जो चक्रवात को प्रबल बनाने के लिए बहुत अनुकूल होता है। ठीक है, अल नीनो मोडकी की परिघटना में अवधि में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अल नीनो मोडकी कारण जो होता है मध्य प्रशांत क्षेत्र में उष्ण आर्द्र और पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत में शुष्क शीत परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस आप इसको नाम याद रखते और उसका वो याद रखते। अब आता है कि हिंद महासागर द्विध्रुव IOD और अल नीनो। IOD क्या होता है आपको पता है? अगर IOD अगर आप पढ़े होंगे इसमें, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे इंडियन ओशन डायोपोल, आपको पता होना चाहिए कि IOD क्या होता है। ठीक है, तो IOD जो है इसमें क्या है कि IOD पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर, यानी कि जो आप देखेंगे पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का समुद्री के सतही तापमान का अंतर है, इसी को जो है IOD बोलते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल बोलते हैं। अच्छा, क्या हुआ कि इस साल जो अलनीनो पहले से ही प्रशांत महासागर मजबूती से क्या हो चुका है? सक्रिय हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो है क्या बोले हैं कि कई मौसम एजेंसियां क्या बोली हैं मौसम विज्ञान की कि एक जो पॉजिटिव IOD विकसित होगा। अब इसमें क्या है कि अलनीनो दक्षिणी दोलन यानी जो है और IOD के बीच में संबंध क्या है हिंद महासागर में? अब देखिए इत्मीनान से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए हिंद महासागर में जो वायु परिसंचरण होता है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर होता है, ठीक है, पश्चिम के पूर्व दिशा में होता है। ऊपरी स्तर पर क्या होता है कि ये विपरीत में होता है, जैसे ऊपर जो होगा ये इसके ऊपर में ये विपरीत दिशा में होगा। ठीक, सामान्य वर्ष में पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो होता है गर्म जल होता है हिंद महासागर में प्रवेश करता है। ठीक है, वार्मर दिन, ठीक है, ये गर्म जल हिंद महासागर में प्रवेश करता है, इससे क्या होता है कि वायु जो होती है ऊपर उठती है, ठीक है, और परिसंचरण को जो है मजबूत करती है। अलिनो के दौरान क्या होता है कि प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग होता है वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे कूलर हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है, इससे क्या होता है कि जो धनात्मक IOD के निर्माण में मदद मिलती है। ठीक है,
और इसी कारण से हिंद महासागर का जो पूर्वी भाग होता है वो भी ठंडा हो जाता है, और ये इसी से कहता है कि पॉजिटिव आयोडीन का निर्माण होता है। ठीक, और जब जब पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पश्चिमी हिंद महासागर अधिक गर्म होता है तो वो आईओटी यानी कि यहाँ से आईओटी इधर इधर की तरफ प्रसंचरण होता है, गर्म हवा यहाँ से ऊपर उठेंगी, तो इसी प्रकार से जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव जो आईओटी निर्माण होता है। अच्छा, ऋणात्मक जो है आईओटी क्या होता है, लालीना संबंधित है, और पॉजिटिव क्या है, ठीक है, अलिनो संबंधित है, ठीक है, अलिनो से। तो इसी प्रकार से जो है जो पॉजिटिव जो आईओटी होता है इससे क्या होता है, अफ्रीकी और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होने में मदद मिलती है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर में लगे क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। लेकिन ऋणात्मक जब होता है इसके क्या ऋणात्मक आईओटी होगा, इसके बाद क्या होगा, जो स्थिति होगी ठीक विपरीत होगी। ठीक है, यदि जो क्या है कि अलिनो की तुलना में आईओटी का प्रभाव बहुत कमजोर होता है, पर जो है लालीना के प्रभाव को कम कर सकता है। ठीक है, तो आपने उसको मैप के माध्यम से पढ़ लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, आप बेसिक तौर पे इसको आप ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे। तो हमने जो है इन्वायरमेंट के इन सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो प्री के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थे। अब आपको पीटी 365 पढ़ने की जरूरत नहीं है, महीने महीने आप जो है आपको मैगजीन को पूरा हम करा देंगे। मैं आपको मेंस वाले कंटेंट जो हैं, जैसे देखिए ये वाले कंटेंट हैं आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया सारा चीज़, हमने ऊपर आपको लेक्चर्स में पढ़ा दिए हैं। अब आपको देखिए ये वाले जो कंटेंट्स हो गए, जैसे कि आप क्लाउड सीडिंग हो गया, और ये आपका जो मुख्य मुख्य जो शहरी फ्लड हो गया, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, आप ये मत सोचिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसके हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ, तो आपको नोट्स से पढ़ाऊंगा, ताकि अगर कम समय में मुश्किल से एक या दो दिन में ही पूरी मैगजीन को कवर कंप्लीट कर दूंगा। जब प्री का जो न्यूज इन शॉर्ट्स वाली जो सेक्शंस हैं, जिसे न्यूज इन शॉर्ट्स ये वाले सेक्शंस को मैं खूब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि प्री में प्रश्न ऐसे यहीं से बनते हैं और हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। और देख आपको आपको मैं दिखाया होगा कि जैसे किस तरह से 2019 वाला क्वेश्चन था, इसी तरह से मैंने हर लेक्चर में बताया है कि क्वेश्चन बने हुए हैं। तो न्यूज एंड शॉर्ट्स को मैं खूब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो है इसका मेंस के लिहाज से इसका जो है नोट्स बना रहा हूँ, और हिंदी में नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन किए रहिए स्टडी फॉर आईएसपीसीएस, वहाँ आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, और मैं इसका नोट्स बना करके आपको दो दिन में ही तीन दिन में आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। पहले ये आपका न्यूज एंड शॉर्ट्स कंप्लीट हो गया। तो आज जो है एनवायरमेंट सेक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब सामाजिक मुद्दे हैं उसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो है थोड़ा सा एथिक्स वाला पोर्शन होगा और कुछ योजनाएं रहेंगी, अब इसके बाद विजन आयुष की मैगजीन हम लोग कंप्लीट कर देंगे 3 से 4 दिन में। ठीक है, धन्यवाद, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बाय।